ओ ये क्या इतने सारे ब्रो? यार ये डेज़मो क्या कर रहा है? अरे यार शिट, क्या डैमेज दिया मेरे को, मैं मरने वाला हूँ। भाई इसने बॉल के अंदर रह के कैसे मार दिया? बट भाई ये बहुत पावरफुल लग रहा है मुझे। ओ वो तेरे ब्रो, ये क्या की तरफ के सारे आइलैंड के पोकेमोन इतने सारे बॉल्स क्यों खा रहे हैं मेरे? लिटरली इलेक्ट्रिक अटैक कैसे करने लगा बुशी? व्हाट भाई, लिटरली हेल्स ऑफ फायर है यहाँ पर। Yo, what's up, मुड़ा मुड़ा मुड़ा, welcome back to a brand new episode of Pal World. तो नया अपडेट आ चुका है Pal World में, जो कि बहुत सारे नए नए पोकेमॉन्स लेकर आए हैं, बहुत सारे नए नए बॉसेस लेकर आया है, इवन इतना जबरदस्त भाई जिम बॉस लेकर आया हमारे लिए, प्लस ऑयल रिग आ चुकी है, बहुत सारे अरीना बैटल्स वगैरह भी आ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में देखा आप लोगों ने कैसे हम लोग ने 5 नए पोकेमॉन्स पकड़े थे Pal World के अंदर। तो पिछले एपिसोड में इतना आइलैंड तो हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया था, आज हम लोग करने वाले हैं उससे थोड़ा और एक्सप्लोर, प्लस हम लोग इस वाले बॉस को भी मारने वाले हैं। तो भाई साहब आज के इस वीडियो में जो मजे आने वाले हैं, प्लस इतना जबरदस्त बॉस पोकेमॉन हमें मिलने वाला है। तो भाई अगर आप लोगों ने अभी लाइक और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा दो, क्योंकि Pal World में जो नया अपडेट आया है ये सारे एपिसोड्स हम लोग स्लोली और डिटेल्ड कवर करेंगे हमारे इस चैनल पे। तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया ना, तो ये देखो यहां पर ऐसा मारो तो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गो। Alright, so last video हम लोग ने यहाँ पर end करा था और मैंने ये कहा था कि next video हम लोग ये arena explore करने वाले हैं, but नहीं, arena के लिए मेरे पास कुछ special चीजें हैं जो कि surprises होने वाली है, जो कि आप लोगों को next कुछ episode में दिख जाएगी। तो arena के अंदर क्या होने वाला है ये आप लोगों को guess करना पड़ेगा, but आज के लिए guys let's continue our exploration on the new island by Sakurajima का जो update आया है। इतने सारे नए नए पोकेमॉन जो आए हैं ना, सबसे पहली बात है ना उन सभी को है ना अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा बेस है, चलते हैं फटाफट बेस पे एंड देखते हैं, और भी नए नए पोकेमॉन्स भी आए हैं। आज हम लोग फाइट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा बड़े बॉस से, जो कि आप लोग को इंट्रो में तो पता चल ही गया होगा। यहाँ पर देखो भाई, मेरे को पता है लुलू इतनी क्यूट पोकेमॉन है, बट इतनी पावरफुल लगी ना भाई, मजे आ गए। एंड ऑल्सो यहाँ पर विक्सन के पास एपोकलिप्स करके जो अटैक है, ये बेलिन लिब्रो का अटैक है भाई, वो भी इसके पास है भाई, देख कर मजे आ गए। मेरे को ये डेज़मो का भी अटैक बहुत प्यारा लगा, और हमारी यहाँ पर क्वेरिन, ठीक है। ऑलराइट बॉयज, सारे नए पोकेमॉन्स लेकर आ चुके हैं हम लोग वापस। भाई मैं तो अपने जटरा ड्रैगन में चलने वाला हूँ, और हमारे पास यहाँ पर गाइस सिर्फ 44 लेजेंडरी स्पीयर्स हैं, बट ये फ्लेम थ्रोवर फ्यूल वगैरह क्या है ये सारी चीज़ अभी तक मुझे पता नहीं है, तो अभी तक इसको हम लोग है ना छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। बट भाई यहाँ पर देखो भाई, मेरे को यार वो चेस्ट वाला जो पोकेमॉन है ना, वो मुझे और एक चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही है यार। भाई नए नए पोकेमॉन्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे तो, बट यार मुझे एक और मिमिक चाहिए, एक मिमिक से वो नहीं हो पाएगा। खैर मिमिक तो मिलते रहेगा, अभी चलते हैं यहाँ पर। भाई ये देखो हमारा नॉर्मल सा क्वेरिन है यहाँ पर, कचरा देखते हैं भाई, कचरे में लिटरली बहुत सारी चीजें मिल रही है गाइस ये नए आइलैंड में जाकर, सर्किट बोर्ड वगैरह मिल रहा है। अरे मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है यार, इतनी भरी भरी इन्वेंट्री के साथ कहाँ घूम रहा हूँ मैं। ये क्या है, मून फ्लावर जेनिन, भाई निंजा टाइप अटैक्स कर रहे हैं ये तो। हाँ बट खैर हम लोग को आज गाइस नॉकलैम को मारना है, ये 4800 एचपी का है, प्लस इसकी 55,000 लेवल का है ये पोकेमॉन। भाई इसको मारने में जो मजे आने वाले हैं ना मैं आपको बता रहा हूँ, बट उससे पहले ना गाइस मैं चाहता हूँ कि फटाफट से जाकर है ना मैं अपना पहले बैग खाली करके आऊँ, सो दैट हम लोग अच्छे तरीके से गाइस उससे फाइट ले पाए। ये रहा हमारा फास्ट ट्रैवल, फटाफट से चलते हैं एंड नॉकलेम कुछ फाइट करते हैं। नॉकलेम एक आई गेस न्यूट्रल टाइप पोकेमॉन है या फिर एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है ना। ये सारा सामान भाई अपडेट के अंदर हमें लाया है, ये सारे के सारे में अंडे भी खोलने वाला हूँ इसी एपिसोड में, तो बने रहे। ये क्या है भाई, लाइफ लोटस, स्मॉल ग्रीन फ्लावर का एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, नीड टू मेक लाइफ रेमिडीज। ओ भाई ये क्या नई नई रेमिडीज आई है यार। ओके पिज्जा वगैरह मिला है, तो पिज्जा को तो हम लोग रखते हैं, बाकी ये फ्यूल वगैरह भी मिला है हमें। ओके ये चाहिए हमें, ठीक है चलो भाई ये सारी चीज चाहिए। पिज्जा वगैरह भी मैं यहाँ पर रखता हूँ, मुझे देखना है भाई पिज्जा खाने से क्या होता है भाई। स्लाइटली लॉन्गर ये फुल रखता है हमें, ओके गॉट इट। आ जाओ भाई, हमारा पूरा का गाइस अभी इन्वेंट्री खाली हो चुका है, अब हम लोग जाने वाले हैं फाइनली भाई नॉकलैम को मारने के लिए। हमारे इस एपिसोड का सबसे ज्यादा मेन मोटिव यह है कि हम लोग नॉकलैम को मारे, वो भी ऐसे नहीं कि जटरा ड्रैगन वगैरह के साथ, हमारे नए पोकेमॉन्स के साथ हमें इसको मारना है, ठीक है। चैलेंज ये है कि हमें नॉकलैम को हमारे नए पोकेमॉन्स के साथ मारना है। तो भाई चलो भाई नॉकलैम के सीधा चलते हैं। मैंने बहुत सारे नए नए पोकेमॉन ले लिए, मीमोंग वगैरह, कॉरिन, बोटान वगैरह, बट अब फाइट होने वाले गाइस नॉकलैम के साथ। देखो भाई यहाँ पर ये एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, तो ग्राउंड टाइप पोकेमॉन के सामने भाई ग्रास टाइप पोकेमॉन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं।
चल भाई नॉकलैम के अटैक्स देखते हैं। भाई ये देखो लिटरली भाई क्वेरिन कितना ज्यादा मार रही है ब्रो। नॉकलैम देखते हैं भाई और क्या क्या अटैक है इसके पास। ओके पत्थर फेंक रहा है बट हमारी क्वेरिन बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई इसके सामने। भाई ये देखो पत्थर पे पत्थर फेंक रहा है और भाई क्वेरिन कितना ज्यादा डैमेज खा गई है। ओ ये क्या इतने सारे ब्रो भाई इतने सारे टोर्नाडो। भाई ये क्या अटैक है यार इसके पास। बट भाई हमारी क्वेरिन भी किसी से कम नहीं। ओ ब्रो ये क्या है भाई आग लगा दी बट लिटरली उसके पीछे के ब्लेड निकालता है और ये घुमाता है जोर से। अरे यार रॉक लेंस भी इसके पास। नहीं यार नहीं 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 भाई ये जितना दिख रहा है इतना आसान नहीं है पकड़ना इसको। भाई ये बड़ा वाला अटैक मेरे पे ना मार दे भाई बाकी सब ठीक है यार। चल चल क्वेरिन मार इसको। नहीं 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 भाई इसका अभी पूरा और नाइस लेफ्ट मिल गया हमें। यार जगह नहीं है यहाँ पर अब। शिट यार ये अटैक देखो ये अटैक देखो भाई लिटरली अब ये ब्लेड निकाल के मारने वाला अपनी क्वेरिन को। भाई नॉकलैम भागो भाई यहाँ से भागो ये बहुत जगह कम है यहाँ पर। पड़ गई भाई नाइस वेरी गुड यार क्वेरिन। अरे नाइस क्या टॉस किया हम लोगों ने भाई। गाइस 3000 एचपी और है भाई क्वेरिन अभी भारी पड़ते हुए। बट गाइस क्वेरिन की एचपी एकदम लो हो चुकी है। देश मत तू जा बढ़िया भाई। नहीं यार यहाँ पर नहीं बहुत सारे टॉर्नेडो आ चुके हैं। ध्यान देना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा। भाई कितने सारे अटैक्स है इसके पास। दिक्कत है यार। अरे पत्थर दो दो फेंक रही है मेरे ऊपर। भाई यार नहीं 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 मिमिक तू जा। नहीं 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 भाई मेरी शील्ड भी नहीं आ रही है यार। बार बार ही मेरी शील्ड तोड़ी जा रहा है तोड़ी जा रहा है। भाई मिमिक को देखो मेरा मरने वाला है ब्रो। नहीं 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 मिमिक से नहीं हो पाएगा। खाली क्वेरी नहीं है यार लूलू को लाना चाहिए था मुझे यार ये नए पोकेमॉन्स। शिट भाई लिटरली इसका तो ये ब्लेड निकाल के जब मारता है ना भाई मेरे लिटरली पूरे क्वेरिन की वाट लग जाती है। बट गाइस क्वेरिन एक टफ फाइट दे रही है यार। एक ग्रास टाइप पोकेमॉन बहुत इफेक्टिव होते हैं ग्राउंड टाइप पोकेमॉन के सामने। तो भाई नॉकलैम को तो हम लोग जल्दी पकड़ने वाले हैं भाई। अभी हमारे पास 0.0% चांस है यार और बहुत मारना पड़ेगा यार हमें भी। चल 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 नॉकलैम भाई मार। नॉकलैम मार रही भाई। हेलो क्वेरिन मार इसको भाई दिखा इसके अपने पास क्या क्या पावर है। भाई क्वेरिन मार भी खा रही है और मार भी रही है भाई। बट अरे भाई 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 मेरी शील्ड टूट गई भाई। नहीं 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 यार मेरी क्वेरिन मर गई। शिट दिक्कत होने वाली गाइस दिक्कत हो गई यार दिक्कत हो गई यार। नॉकलैम ने मेरे भाई यार दिक्कत होने वाली अब ब्रो। शॉटगन से लोग मार रहे इसको लग ही नहीं रही है लिटरली 5-5 डैमेज हो रहे हैं। थोड़ा पास में आके मारने दो भाई। हाँ ये अब लगी ना अब लगी बेटा अब लगी ना यार। ये डेज मूव क्या कर रहा है। अरे यार शिट क्या डैमेज दिया मेरे को मैं मरने वाला हूँ भाई। बढ़िया 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 हमें भी मारना है गाइस मारते रहना है गाइस। अभी भी गाइस साहब अभी भी 740 एचपी बची हुई गाइस। एक बार ट्राई करते हैं गाइस। 0.7% चांस है भाई। चल भाई 2% चांस है नहीं आएगा इतना जल्दी तो नहीं आएगा। अरे भाई भाई भाई, भाई डॉज भी करना है भाई। लास्ट दो अल्ट्रा स्फीयर बचे इसके पास मेरे पास मेरे हिसाब से इसके बाद गाइस लेजेंडरी स्फीयर यूज करने पड़ेंगे मुझे सीधा भाई। 2% चांस है अभी भी नहीं आ रहा यार। चल 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 नॉकलैम आ जा भाई जल्दी। ब्रो इसका वो ब्लेड इतना ज्यादा दूर से घुमाए कि लिटरली मैं इतना दूर खड़ा था फिर भी मैं मर गया। व्हाट यार मेरे क्वेरिन को नहीं मरना चाहिए था यार। मेरा क्वेरिन बहुत ज्यादा पावरफुल था भाई। क्वेरिन को अभी हमें यहाँ पर रिवाइव करना पड़ेगा। ऑलराइट भाई क्वेरिन अभी यहाँ पर वापस रिवाइव हो चुकी है। काफी ज्यादा इसको मेजर इंजरी है बट फिलहाल ये हमारे पास रह सकती है वापस। बट इस बार है ना गाइस मिमॉक को छोड़ के हम लोग है ना लुलू लेने वाले हैं क्योंकि ये लुलू बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। ठीक है आ जाओ भाई लुलू कहाँ पर है लुलू को ढूंढते हैं जरा। सर बुरा मानिए भाई ये कहाँ चली गई। ऑल राइट भाई लुलू को भी हम लोग ने ढूंढ लिया भाई। ये नए पोकेमोन ढूंढना भाई बहुत डिफिकल्ट है। ऑल राइट भाई भाई मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा हम लोग कैसे नहीं मार पाए यार। ऊपर से उसने इतने सारे मेरे अल्ट्रा स्फीयर्स वेस्ट कर दिए। बट गाइस अब नॉकलैम की तो खैर नहीं है भाई। अब हम लोग इसको जाने वाले हैं मारने के लिए। फटाफट टेलीपोर्ट करते हैं। इस बार मुझे उसके बड़े अटैक से बचना है भाई। अरे नए पोकेमोन मैं बता रहा हूँ गाइस इनके अटैक्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नए नए है ना भाई। ये देखो हम लोग ने कल बीम कॉमेट लिया था वो अटैक किया जस्ट जटरा ड्रैगन ने। हाँ मैं ये कह रहा था कि नए पोकेमॉन्स के इतने नए नए अटैक्स है ना कि पावरफुल तो है बट मेरे पास नए अटैक्स को समझने का टाइम ही नहीं मिल रहा यार। भाई ये देखो भाई अब वापस यहाँ पर हमें पूरे नॉकलैम से फाइट करनी पड़ेगी भाई। 55 लेवल का नॉकलैम है यार। और एक तो ये इतने केव के अंदर है ना भाई दिक्कत वहां पर आ रही है यार।
चला जा भाई, क्वेरीन इस बार तू मार के दिखा, इसको खत्म कर दे। अबे यार व्हाट ब्रो, एक अटैक में मार दिया इसने इस बार। भाई ये क्या अटैक कर रहा है यार, मेरी क्वेरीन पूरी मर गई। चल भाई क्वेरीन, भाई लूलू है, भाई लूलू बचाएगी अब हमें गाइस, लूलू मार रही है भाई। लेट्स गो भाई, लेट्स गो, लूलू दिखा दे अपने अंदर का जितना भी पावर है दिखा दे, हम भी मार रहे हैं इसको। भाई मैं ट्राई करता हूँ लूलू के अंदर है ना कोई अगर और ग्रास टाइप अटैक हो तो हम लोग है ना वो निकालते हैं। रुको लूलू से फाइट करेगा अभी थोड़ी देर के लिए। लूलू कहाँ है, लूलू ये रहा। और राइट मल्टी कटर है इसके पास, मल्टी कटर भी ग्रास टाइप अटैक है, वो भी हम लोग ले लेंगे। बट भाई देखो यहाँ पर भाई हमारी तरफ चल के आ रहा है यार, ये क्या अटैक करने वाले अब ब्रो, ये पत्थर मेरे को लग ही जाते हैं यार एवरी सिंगल टाइम। ओ भाई ये देखो कितना भाई, ये सामुराई भाई, ये क्या ही पोकेमॉन है यार, मारना पड़ेगा हमें अब इसको तो। बेटा तू रुक भाई, नहीं यार ये मेरे पे अटैक ना कर दे, ग्रास वाले अटैक्स होने चाहिए। भाई पता नहीं मेरी क्वेरीन कैसे मर गई यार यहाँ पर। गाइस हम भी जितना और उतना मारने का ट्राई कर रहे हैं, बट यार इसका वो बड़ा वाला अटैक ना आ जाए बस, बाकी सारी चीजें दिक्कत नहीं आएगी गाइस हमें। मारे गाइस हेडशॉट ही मारते हैं इसको, भाई मेरी शील्ड नहीं है। चल चल लूलू तेरे पे है यार ये गेम। भाई ये रॉक लेंस भी निकाल के मार रहा है भाई, बहुत लो कर चुके हैं हम लोग का, इस बार इसको मारते हैं हम लोग है ना। चलो भाई शॉटगन भी मेरी रिलोड हो रही है भाई, ये बस खाली उसका बड़ा वाला अटैक ना कर दे, बाकी मेरी शॉटगन इसको संभाल लेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं बहुत सारे टॉर्नेडो आ गए भाई 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 भाई, लिटरली भाई कितने टॉर्नेडो है यार, 8-9 टॉर्नेडो है यार इसके पास। भाई विक्सन को भेजते हैं भाई, अरे जगह नहीं है यहाँ पर अब। शिट 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 शिट, भागना पड़ेगा गाइस यहाँ से, इसके नीचे से भागना पड़ेगा हमें, बहुत पावरफुल अटैक है इसके पास। बट भाई हमारा विक्सन इसको आग लगा दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आग लगाया ना गाइस, ये परफेक्ट चीज है भाई। आ जाओ अब हम लोग पकड़ने वाले हैं गाइस, लेजेंडरी स्पीयर यूज करते हैं इस बार, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि इस बार हम लोग मिस करें गाइस, 7% चांस है हम इसको पकड़ने के लिए। चल भाई आ जा नॉकलैम, इस बार तो पकड़ के रहने वाला हूँ मैं तेरे को भाई। इसकी एचपी बहुत जल्दी कम हो गई वैसे इस बार तो, भाई लूलू ने क्या ही पावरफुल अटैक्स करे इस बार। भाई आ जाओ भाई लेट्स गो गाइस, भाई लेजेंडरी स्पीयर बहुत सारे हैं बट यार ये आ ही नहीं रहा यार, लेजेंडरी स्पीयर में भी नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है यार इसको। मेरे पास रिंग ऑफ मर्सी भी नहीं है, आ गया यार ऑलमोस्ट आ ही गया था यार। भाई इसने बॉल के अंदर रह के कैसे मार दिया, आजा 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 आजा, लेट्स गो ब्रो, हम लोगों ने फाइनली नॉकलिम को पकड़ लिया है यार, 55 लेवल का ब्रो। भागो भागो ये एरिया से भागो भाई, पहले पता नहीं वापस नहीं स्पॉन ना हो जाए भाई हमें मारने के लिए। एंड ऑल्सो यार ये जब से मैंने है ना अपना गेल क्लॉ छोड़ा है ना भाई, बुरा लग रहा है यार मुझे। चलो भाई आ जाओ, चलते हैं अपने बेस पे फटाफट, क्योंकि हमें पाल बॉक्स के अंदर से हमारे नॉकलैम को पकड़ना पड़ेगा और हमारे पास रखना पड़ेगा। भाई आ जाओ भाई, नॉकलैम कहाँ हो आप यार, मेरी क्वेरीन को आप दूसरी बार मार दिया यार, ये कितना पावरफुल पोकेमॉन है यार। ये देखो भाई लिटरली वी हैव फाइनली कैप्चर्ड नॉकलैम द न्यू बॉस पोकेमॉन। भाई नॉकलैम अब यहाँ पर आ चुका है, स्टील गार्डियन मोड, ये क्या करता है भाई। When activated, a steel resolves increases Nocleum attack and defenses. Oh, भाई, अच्छा, भाई इसके attack और defense बढ़ जाते हैं इसके partner ability से. Nice, nice, nice. भाई आ जाओ भाई, डेज़ मू अभी तू भी थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ भाई Nocleum से सारे Pokemon को मारने के लिए। भाई बहुत मजे आने वाले हैं यार, look at him भाई एक बार, इतना बड़ा Pokemon है यार ये, पूरा समुराई वाइब दे रहा है एंड लिटरली पूरा आर्मर इसका स्टील से बना हुआ है यार एकदम ब्रो। नॉकलैम है इसका नाम यार, कितना ज्यादा भाई, कितना ज्यादा शानदार पोकेमॉन है यार ये। तो हमारे नए बॉस पोकेमॉन नॉकलैम को हम लोग लेकर जाने वाले हैं वापस से इस नए आइलैंड में और एक्सप्लोर करने के लिए। एंड आप लोग को तो पता है भाई ये एरिया पूरा हम लोग ने अनएक्सप्लोर करा हुआ है अभी तक, तो आज का मेरा टारगेट ये है कि ये जिम एरिया और ये पूरा का पूरा पिंक वाला जो एरिया है ये हम लोग एक्सप्लोर करें ये हमारे नॉकलैम के साथ है ना। बट उससे पहले ना मुझे चेक करना है यार ये नॉकलैम एग्जैक्टली करता क्या है यार ये पोकेमॉन। भाई ये लिटरली इतना जबरदस्त माइनिंग पोकेमॉन है, प्लस प्लांटिंग भी करता है और प्लस भाई और इतना अच्छे से गैदरिंग भी करता है। भाई ये क्या पोकेमॉन है यार, मतलब अब तक जितने भी हम लोग ने पोकेमॉन्स पकड़े हैं उसमें से सबसे ज्यादा यूजफुल मुझे ये नॉकलैम लग रहा है, उसके बाद ये क्यूरिन बोटान लग रहा है, क्योंकि क्यूरिन बोटान भाई दोनों करता है। माय क्यूरिन सेकंड नंबर पर इसीलिए क्योंकि ये क्यूरिन सारी चीजें करता है एंड सारी चीजें करने वाले पोकेमॉन ना थोड़े से लेफ्ट राइट होते हैं, क्योंकि वो हर एक चीजों में फिर अपना हाथ डालते हैं ना, फिर वहां पर गड़बड़ आ जाती है।
एनीवेज भाई चलते हैं हमारे नॉकलैम को लेकर बहुत सारे नए पोकेमॉन्स को ढूंढने के लिए हमारे इस नए पाल वर्ल्ड के अपडेट के बाद। अभी तक हम लोग ने सिर्फ कुछ परसेंट ऑफ द अपडेट हम लोग ने देखा हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें और आने वाली है भाई। मुझे देखना इसको रियल में फाइट करते देख कैसा होता है ये। चलते हैं, ये पूरा डेजर्ट एरिया तो हम लोग ने अच्छे से हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया है। अब यहाँ पर हमें और रुकने की जरूरत नहीं है, हम जा सकते हैं डायरेक्टली अभी पूरे के पूरे ओ यहाँ पर कचरा है भाई, मैं बता रहा हूँ यार, ये सारे के सारे जो यहाँ पर कचरा है ना, इसके अंदर हमें भाई बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स वगैरह मिलते हैं। क्यूरिन बोटान है, 52 लेवल का है ये। एक क्या है ये, ओ भाई एक फीमेल है ये। चलो भाई इसको अभी हम लोग फाइट करवाने वाले हैं नॉकलैम के साथ। हालांकि ओ भाई लिटरली भाई इतने सारे भाई, बढ़िया यार भाई, रॉक लैंस वगैरह मारे और ये बढ़िया मारा भाई, पूरा शील्ड निकाल के मारा यार इसने और ये डॉच कर दिया इसने और अरे दोनों को एक साथ मार रहा है यार इक्विवेलेंट बोटान। रुको इसका एबिलिटी यूज करने दो मुझे। हाँ अब बढ़िया, अब अटैक और डिफेंस दोनों बढ़ चुके हैं गाइस हमारे नॉक लैम के। बट भाई मैं तो अटका हुआ हूँ अभी भी भाई, भाई 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 लग तो रही है अभी भी नॉकलैम भाई, लिटरली हाफ एचपी हो चुका है इक्विवेलेंट के सामने। मैं समझ सकता हूँ यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट भाई लिटरली देखो इतने सारे टॉर्नेडो आ जाते हैं ना यहाँ पर भाई, दिक्कत हो जाती है उसको भाई। 1 HP पकड़ो, इसको पकड़ो, बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ भाई, इक्विवेलेंट बोटान हमारे सामने आने वाली है भाई। मैं बता रहा हूँ गाइस ये बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, मैं स्पेशली इसको इसीलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि ये एक फीमेल पोकेमॉन है एंड हमारे पास ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन करने के लिए काम आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे मेल फीमेल पोकेमॉन निकलने लगे हैं यार। कितने लगी यार ये लेजेंडरी स्फीयर, खत्म होने आए मेरे पास अब। आजा आजा आजा, अरे यार कितने बॉल्स डालने पड़ रहे भाई, अभी तो 10 बॉल्स खा गया ये। चलो भाई अब इस बॉल में तो आजा भाई प्लीज। ओ भाई तुम लोग लाइक वाइक नहीं कर रहे हो इसीलिए आ नहीं रहा है भाई। चलो फटाफट लाइक बटन दबाओ भाई, नहीं क्या दिक्कत है भाई इसको यार। रिंग ऑफ मर्सी पहन लेते हैं, रुको अभी अगर नहीं आया ना गाइस इसको मारना पड़ेगा हमें। अब तो तू बेटा आ ही जा, 13% चांस है भाई। ये कितने पोकी बॉल, अभी तो 1 HP है भाई, प्लीज नाटक मत कर भाई। भाई नहीं यार 40 बॉल्स लेकर मैं आया था यहाँ पर भाई, लिटरली 28 बॉल्स बचे हुए हैं। चल भाई अब आ जा, एटलीस्ट अब नाटक मत कर भाई प्लीज, अभी तो मैंने मार भी खा लिया। चल भाई क्या है भाई, कितने बॉल डालने और। नहीं भाई ये कुछ तो गड़बड़ है भाई, मैं अभी आखिरी 3 बॉल यूज करने वाला हूँ ठीक है, अगर अभी नहीं आया ना भाई तो मैं नहीं पकड़ूंगा। नाइस भाई, कितने भाई, 15 बॉल्स इसने खाए अकेले ने। खैर बट अभी हमें एक फीमेल मिल चुकी है, बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना गाइस, देखो इतनी सारी लुलू वगैरह है यहाँ पर ब्रो, और यहाँ पर ये वेदर देखो यार, ये लुलू हमेशा ना गाइस ये सारी ब्लॉसम झाड़ के पास ही रहती है, कि कितने प्यारे दिख रहे ना यार ये सारे ट्रीज, मस्त है यार एकदम मस्त। आ जाओ भाई, ये अपडेट मैं बता रहा हूँ यार, आज का दिन गाइस बहुत जबरदस्त गया, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉकलैम हम लोग ने पकड़ लिया है। यहाँ पर अब नॉकलैम स्पॉन नहीं होगा बिकॉज हम लोग ने इसको मार दिया है अनफॉर्चुनेटली, बट गाइस यहाँ पर झरना वगैरह है खुद का यार। ये इलेक्ट्रिक एग मुझे चाहिए, रुको रुको ये इलेक्ट्रिक एग तो लेने दो भाई मुझे। नाइस भाई, ये झरना लिटरली अंडरग्राउंड से यहाँ पर आ रहा है और पूरा का पूरा पानी यहाँ पर बह रहा है भाई, मेरे को लिटरली झरने ब्रो चिलेटिकनेस मिली हमें भाई, भाई मैं चाहिए भाई, मुझे चाहिए गाइस, मुझे चाहिए भाई चिलेटिक, इतनी पावरफुल पोकेमॉन है ना लिटरली गाइस, इसके ऊपर बैठ के हम बड़े बड़े पोकेमॉन्स को हरा सकते हैं। आ जाओ भाई नॉकलैम वर्सेस चिलेट इग्निस, जाओ भाई अटैक कर भाई नॉकलैम, आ जा तेरा पार्टनर एबिलिटी यूज करते हैं भाई। अभी अटैक और डिफेंस दोनों बढ़ चुके हैं गाइस हमारे नॉकलैम के, बट अब ये फाइट करने वाला है। अभी कहाँ भाग रही है भाई, हाँ फाइट करना भाई, कहाँ भागने का इधर को। चलो भाई चिलेट, ओए आग लगा दिया भाई हमारी नॉकलैम को भाई, नॉकलैम ने अटैक तो किया है बट भाई लग नहीं रहा है कोई दिक्कत होने वाली है हमारे नॉकलैम को, क्योंकि डिफेंस इतना पावरफुल हो चुका है। अरे यार ये चिलेट कहाँ चली गई यार, अरे यार ये चिलेट कहाँ चली गई, उनको भाई चिलेट को थोड़ा बाहर लेकर आने दो भाई, ये पूरा भाई पत्थर उधर के अंदर चली जा रही है। ओ भाई ब्रो लिटरली क्या अटैक किया इसने यार, नॉकलैम जा चल मार इसको भाई, लिटरली नॉकलैम भाई ये चिलेट अटक गई है यार, इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे हम लोग।
अबे यार सिलेट को मार दिया यार, मेरे पैरों पे आके मर गई। नॉकलैम नॉकलैम। चलो खैर गाइस कोई बात नहीं यार, हम लोग वापस चिलेट को पकड़ लेंगे। यहाँ पर आई नो बहुत सारी चिलेट्स रहती है, बट भाई ये आइलैंड को देखो, हम लोग धीरे धीरे ये पूरा एरिया तो हम लोग ने एक्सप्लोर कर ही लिया है अच्छे से, क्योंकि हमें यहाँ पर गाइस एक, हाँ ये एरिया पूरा एक्सप्लोर कर लिया है हम लोग को। आप पता है यहाँ पर वर्डैश वगैरह मिलती है, लूलू वगैरह मिलती है, यहाँ पर स्किल फ्रूट ट्री है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हम लोगों ने। बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग टाइप के झाड़ है, यहाँ पर भाई हमको मिलता है क्वेरीन वगैरह मिलता है। मुझे बस ये पीछे का एरिया एक बार चेक करना है, यहाँ पर कुछ नीचे है क्या, गुफा वुफा कोई डंजन्स वगैरह है क्या, कचरा वगैरह है यहाँ पर, ये कचरा ले लें। कचरा काफी आजकल मुझे उठाना पड़ रहा है भाई। भाई लेजेंडरी स्पीयर मिले वो भी तीन तीन, भाई नाइस यार, गुड, नॉट बैड नॉट बैड। चलो भाई यहाँ पर भी भाई देखो छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड पे कचरा है छोटा छोटा, एंड भाई लिफमंग भी हमें बहुत सारे मिल रहे हैं। भाई ये क्या है अचानक से यहाँ पर स्पॉन हो गए। ऑलराइट पीछे की तरफ कुछ नहीं है इस आइलैंड के, बट अब भाई बारी आती है हमारे यहाँ पर और भी बड़े बड़े पोकेमॉन्स को हमें ढूंढने की। देखते हैं कौन से पोकेमॉन्स यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो गाइस ये रास्ता, ये कौन सा पोकेमॉन है भाई, भाई युकामो, ये क्या है ये पोकेमॉन, विक्सन तू जा इसको मारते हैं, आजा भाई भाई युकामो, अरे 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 भाई क्रिटिकल लग रही है इसको एकदम, भाई आजा एक बार विक्सन को अंदर बुलाते हैं। अब देखते हैं इसके अटैक्स कौन से हैं, ये हम पे मारेगा तब मुझे देखना। ओ भाई ये लिटरली वही अटैक है जो हमारे सारे नए पोकेमॉन्स कर रहे हैं भाई। और क्या क्या अटैक है भाई, इसका नाम है युकामो भाई। ओके ये एक पूरा बॉम्ब मार रहा है, पाल बॉम्ब बोलते हैं इसको, बहुत बढ़िया अटैक है ये भी भाई। और क्या क्या अटैक है यार इसके पास भाई, इसका सैडल वगैरह भी बन सकता है भाई, कितना कूल लग रहा है। ओ भाई क्या था अटैक ब्रो, लिटरली से सारी अपने एनर्जी इकट्ठा करी और हमारे तरफ फेंक के मारी है भाई। ये देखो और एक अटैक आ गया इसकी तरफ से भाई भाई भाई, गुस्सा हो गया ये एकदम, डॉग टाइप पोकेमॉन है गाइस, कुत्ते जैसा पोकेमॉन है ये एकदम, बट भाई ये बहुत पावरफुल लग रहा है मुझे। अरे नहीं 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 नहीं, 1 HP भाई कर दिया मुझे। बस भाई अभी पकड़ लेते हैं इसको गाइस, 29% चांसेस हैं पकड़ने के। चलो भाई चुपचाप इधर आओ, 1 HP हो तुम, 40% चांस में भी अगर ये बाहर आ गया ना भाई मेरे नसीब भाई, मैं बता रहा हूँ यार, ये पोकीबॉल नहीं फेंक रहा हूँ मैं लेजेंडरी, ये पत्थर फेंक रहा हूँ भाई मुझे ऐसा लग रहा है। आजा बाहर मत आना प्लीज। नाइस, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस एंड डिस्पाइस एविल, इन द पास्ट दे वर फेथफुल एंड लविंग कंपेनियंस टू आइसलैंडर्स, नाउडेज, अरे यार पढ़ना ले गया रह गया, बट कोई बात नहीं भाई। भाई लिटरली हम लोग गए सिर्फ इतना पोर्शन से हम लोग यहां तक आए हैं और हमें तीन नए पोकेमोन ऑलरेडी दिख चुके हैं भाई। देखो यार लिटरली डोजन करके यहाँ पर एक पोकेमोन है, ये भी एक कैसे एक न्यूट्रल पोकेमोन है, इसके सामने भी कैसे हमारा विक्सन बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा। चल भाई विक्सन इसको मारते हैं, आजा। 53 लेवल का डोजन है यहाँ पर भाई, कितना ज्यादा पॉप पॉप। ओ ये क्या अटैक है, ओ वो तेरे ब्रो, भाई लिटरली अपने हाथों से कामे हा में हा निकाल रहा है यार भाई। नहीं यार ये अटैक इनके पास कितने पावरफुल है यार यहाँ पर भाई, रुक जा तू ही जा भाई, तू जा मेरे से नहीं हो भाई, नॉकलैम तू ही जा भाई। और कौन से अटैक है भाई, ये देखो भाई नॉकलैम का ये वाला जो अटैक है ना भाई, मजे दिला देता है यार लिटरली। चलो भाई अब अटैक और डिफेंस दोनों बढ़ चुका है भाई, अपने पूंछ पे खड़ा रहता है ये पोकेमॉन यार लिटरली ब्रो। चल डॉजन मार इसको यार भाई, एक और डॉजन हमें मिली है भाई, ये क्या अटैक है यार ब्रो, हमारी नॉकलैम की अपने आसपास एक शील्ड बनाई और पूरे नॉकलैम को धकेल के फेंक दिया बाहर दूर तक भाई। नॉकलैम मार भाई, अब क्या हो गया तेरा टैक्स को भाई, लग रही है यार इसको, मैं बता रहा हूँ ये कितना शांत पोकेमॉन लगता है देखने में, बट बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है यार ये, देखो 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 देखो, लिटरली नॉकलैम को हवा में उड़ा रही है। चल भाई नॉकलैम भाई तेरे को क्या हो गया अचानक से यार, पड़ी 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 भाई कितना दूर भाई, 700 HP डाउन। आजा भाई इसको पकड़ने का टाइम आ चुका है, हमारा नॉकलैम मार देगा, उसके पहले हम लोग इसको पकड़ लेते हैं भाई, एक बॉल लगा है अभी तक तो। चलो भाई दूसरा बॉल अभी हम लोग वेस्ट करने वाले हैं यार, रियल में पकड़ने वाले हैं। तीसरा बॉल हमारा गया भाई, मैं बता रहा हूँ लेजेंडरी स्पीयर खत्म हो जाएंगे मेरे एक्सप्लोर करते करते भाई। भाई और भी यहाँ पर बहुत सारे नॉकलैम है यार, प्लीज इतना नाटक मत कर, आजा आजा यार ये भाग रहा है मेरे से।
चल भाई चल 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 नॉकलैम जल्दी आई, एक मेल पोकेमोन है भाई जल्दी। और किधर के सारे आइलैंड के पोकेमोन इतने सारे बॉल्स क्यों खा रहे हैं मेरे? नाइस, लेट्स गो भाई। डोजन को हम लोग ने पकड़ लिया है 53 लेवल का भाई। एक और डोजन है यहाँ पर, एक काम करते हैं इसकी फाइट करवाते हैं हमारे हमारे क्वेरिन के साथ। चलो भाई आ जाओ भाई, क्वेरिन को देखो भाई लिटरली कितना पावरफुल है ये ब्रो। एक अटैक में लिटरली क्वेरिन को इसने 1 HP कर दिया है। बट अब हम इसको वापस पकड़ सकते हैं भाई, हमारे पास दोनों मेल पोकेमोन आ जाएंगे यार। हमारे पास एक डोजन फीमेल चाहिए हमें भाई, एक ही बार में आ गया ये, नाइस। चलो भाई बहुत बढ़िया, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई मुझे कचरे साफ करने के लिए बुलाया यहाँ पर भाई। लिटरली हम लोग ने सिर्फ इतना सा एरिया एक्सप्लोर करा और हमें कितनी सारी चीजें दिख गई है। हम लोग जाने वाले थे इस तरफ ना, हाँ इस तरफ क्या है भाई, ये चीज अपडेट में आई थी गाइस। यहाँ पर एक टेम्पल टाइप हमें लग रहा है, ये अंदर हमें एक बूशी दिख रहा है यहाँ पर। ये कौन सा बूशी भाई, नॉक्ट वाला है क्या? नहीं नहीं ये नॉर्मल बूशी है यहाँ पर भाई। ये क्या है यार, ये एरिया देखो पूरा भाई, पूरे बाम्बू है इस एरिया में हर जगह पर। और इस एरिया को पता नहीं ये बूशी डिफेंड क्यों कर रहा है। ये क्या है भाई यहाँ पर, पिकअप अ सया डायरी 5। ओके पता नहीं कोई तो डायरी 5 है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। बट भाई अभी हमें अंदर जाना है, मेरे को ये बूशी से फाइट नहीं करनी है भाई। बट अगर फाइट करनी पड़ेगी तो भी हम लोग डाल देंगे अपना नॉकलैम को। बट अभी फिलहाल मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ इसके। ऑलरेडी इतने सारे पोकेमोन हम लोग ने पकड़ लिए हैं। आ जाओ भाई लाल। अच्छा बूशी यहाँ पर आई गेस थोड़े से काम लग रहे हैं भाई, गुस्से वाले नहीं लग रहे बूशी। अबे यार नाम लिया, गुस्से वाले नहीं लग रहे और ये मारा मारी करने लगा भाई 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 भाई, भाई हमारा नॉकलैम भाई इतना पावरफुल है ना लिटरली, देखो भाई इसको एक बार भाई इसका। अरे भाई क्या मार दिया इसने मेरे को, अटक गया हूं मैं। लिटरली इलेक्ट्रिक अटैक कैसे करने लगा बुशी, व्हाट भाई, फायर अटैक इलेक्ट्रिक अटैक भाई। ये बुशी मरने वाला है भाई, इसको तो मरने ही देंगे भाई। काम करने को पकड़ने का ट्राई करते हैं, अगर आ गया तो अच्छा है वरना बुशी तेरी यहाँ पर अभी खैर है भाई, आ जाएगा तो तेरे लिए अच्छा है भाई। ब्रो इतनी फट गई इसके, ये एक ही बार में आ गया भाई यहाँ पर। और राइट ये रास्ता यहाँ पर देखो भाई कितना ज्यादा पूरा, कितना मस्त लग रहा है यार ये एरिया। ऐसा लग रहा है कि हम लोग गार्डन वार्डन में कहीं घूमने आए हुए हैं भाई। यहाँ पर भी एक और बूशी है भाई, इससे बच के भाई, इससे अभी और फाइट नहीं करनी है, 50 लेवल का बूशी है ये। ऑलराइट मैप में हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत एज की तरफ जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। और यहाँ पर कुछ है क्या, जटा ड्रैगन पे आने दो भाई देखने पर, पीछे की तरफ कुछ है क्या भाई चांस? नहीं यहाँ तो हम लोग ने देख कर आए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो अपडेट का ट्रेलर था गाइस उसमें हम लोग ने ये एरिया देखा था जहाँ पर हमें एक बूशी नॉक्ट दिखा था, एंड अब हमें वापस वो दिखा है। वो ये क्या है, कॉग्निटो? अच्छा भाई मुझे लगा कोई नया पोकेमोन है भाई, हमारे छेट्रा ड्रैगन ने उसकी बत्ती बुझा दी भाई। और ऐसे ऐसे हम लोग आए थे और फिर हम लोग लेफ्ट के तरफ चले गए थे देखने के लिए, बट लेफ्ट में पूरा का पूरा एरिया बंद है। बट यहाँ पर देखो ब्रो ब्रो चेरी ब्लॉसम केव है, इसके अंदर भाई लिटरली 50 लेवल का बॉस पोकेमोन है भाई, 50 लेवल का बॉस पोकेमोन है। और ये नई डंजन है भाई, डंजन एक्सप्लोर करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या हमें इस पूरे के पूरे आइलैंड के जितने भी डंजन है ये सारे एक्सप्लोर करने चाहिए या नहीं इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डंजन एक्सप्लोर करेंगे। बट फिलहाल के लिए गाइस ये एरिया क्या है भाई ये देखना है मुझे जरा। हमें एक बूशी यहाँ से जाती हुई तो दिखा था, बट एक कॉग्निटो भाई ये कैसे जा रहा है भाई, जमीन के नीचे क्यों जा रहा है यार ये? हाँ हमें इस तरफ जाना है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ हमें इस तरफ जाना है अंदर। आ जाओ भाई जटरा ड्रैगन से जरा उड़ के देख लेते हैं कहाँ जाना है हमें। वो ये कोई से नए झाड़ टाइप के झाड़ है ना भाई, यहाँ पर एक फास्ट ट्रैवल भी है, नाइस भाई। ये देखो लिटरली इलेक्ट्रिक अटैक कर रहा है यार ये बुशी भाई, ये कितने, ओ भाई जटरा ड्रैगन ने कौन से नया अटैक मार दिया भाई, बुशी एक सेकंड में मर गया। बाय द वे जो नया अटैक है जटरा ड्रैगन का, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जटरा ड्रैगन इधर आ, इधर आ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गाइस ये बीम स्लाइसर करके जो ये अटैक है ना गाइस, ये हमें इस आइलैंड के स्किल फ्रूट से मिला था लास्ट वाले एपिसोड में। अगर वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर बूशी को तो मार दिया है, बट यहाँ पर मैं एक चीज देख रहा हूँ भाई, कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पर भाई, यार कितना प्यारा लग रहा है ये एरिया देखो एक बार ब्रो, यार कितना सुंदर लग रहा है ये एरिया भाई। मेरा मन कर तो मैं यहीं पर एक बेस बना दो भाई नए आइलैंड के अंदर भाई, कितना प्यारा लग रहा है ये एरिया।
चलो भाई इस बार ग्रेनेड एमो मिला है हमें, नाइस। ऑल राइट भाई, ये पूरा आइलैंड अभी हमें गाइस और भी एक्सप्लोर करना है। डंजन्स तो हमें दिख चुके हैं, हमें और क्या क्या चीजें मिलने वाली है। व्हाट भाई, लिटरली हेल्स ऑफ फायर है यहाँ पर। अबे हेल्स ऑफ फायर एक डार्क टाइप पोकेमोन है, ये कहाँ गए भाई हम? भाई आ जाओ भाई, नॉकलैम तू जा भाई यहाँ पर। ब्रो ये क्या अटैक यूज कर रहा है? ओ भाई नॉकलैम मार इसको यार, क्या हो रहा है तेरे को? नाइस, हेल्स ऑफ फायर को लगी तो है भाई। नहीं 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 नहीं, ये अटैक क्या है भाई? ब्रो इतनी सारी लाइटिंग अटैक हवे में से। भाई इसको मारना मत, इसको मारना मत, इसको मारना मत, इसको मारना मत। अबे यार ये मर गया इन मोमेंट पे। कोई ना अभी यहाँ पर और भी दो हैं, ये मेल और फीमेल दोनों हैं, मैं इन दोनों को पकड़ना चाहता हूँ, ठीक है? नॉकलैम ध्यान से, ठीक है? अभी मारना मत दोनों को, चला जा, फुल फिनिश मत कर देना भाई। आ जा नॉकलैम। ओ भाई नॉकलैम क्या ही मार रहा है भाई। आ जा, इसको हम पकड़ेंगे, इसको भी हम लोग मार के पकड़ेंगे भाई। भाई हमारी शॉटगन जब क्लोज रेंज में मारती है ना, इतनी पावरफुल होती है ना गाइस। मेल और फीमेल हेल्थ अपायर हम लोग ने दोनों पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं। नहीं 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 भाई, बहुत प्यारे अटैक्स हैं यार इनके पास। यार प्लीज एक तो आ जाओ यार, दोनों के दोनों यार, 8 ही बॉल्स बचे हैं मेरे पास भाई। कितना ब्रो, लिटरली कितना ज्यादा पावरफुल दिख रहा है ब्रो। ब्लैक और येलो कलर का हेल्थ ऑफ फायर भाई साहब। यार हेल्थ ऑफ फायर ऑलरेडी बहुत यूनिक पोकेमोन है, एंड उसके ऊपर भाई अभी हमें इलेक्ट्रिक हेल्थ ऑफ फायर मिल गया है। यार अनफॉर्चुनेटली हमसे एक हेल्थ ऑफ फायर मर गया यहाँ पर, बट भाई मैं भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और कैसे कैसे टाइप के पोकेमोन आने वाले हैं। तो इस एपिसोड में हम लोग ने पहले क्या किया ना, सारे के सारे नए पोकेमोन से हम लोग ने नॉकलैम को हराया, और फिर उसी नॉकलैम को लेकर हम लोग और भी नए पोकेमोन को हरा रहे हैं भाई। एक बार देखो भाई, लिटरली हम लोग ने सिर्फ इतना एरिया हम लोग ने एक्सप्लोर करा है, और हमें यहाँ पर 4 से 5 टाइप के नए पोकेमोन्स मिल चुके हैं। बट अब उन नए पोकेमोन्स को हम लोग अपने साथ लेकर आने वाले हैं। सारे पोकेमोन्स को हम लोग इस पाल बॉक्स में रख देंगे, सिवाय जेट्रा ड्रैगन और नॉकलैम के, बाकी सारे लोग अंदर जाओ। और अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं सारे के सारे नए पोकेमोन्स भाई। हेल्स ऑफ फायर यहाँ पर आ चुका है, चिलेट यहाँ पर आ चुकी है, याकुमो यहाँ पर आ चुका है, और एक और पोकेमोन बचता है सिर्फ, एक और ये डोजन करके भाई। मैं बता रहा हूँ भाई, वो होल हार्टेड स्टैंड्स भाई। एक काम करते हैं, नॉकलैम को यार, मुझे जेट्रा ड्रैगन भी चाहिए यार। कैसे भाई मैं ट्रैवल कैसे करूँगा जेट्रा ड्रैगन के बिना? नॉकलैम आई एम सो सॉरी, तेरे को यहाँ पर रखना पड़ रहा है मुझे। बट भाई नए पोकेमोन्स को देखना है अभी हमें ऑन रियल ग्राउंड में फाइट करते करते। आ जाओ भाई यहीं पर चलते हैं वापस। ऑल राइट बॉय, सारे के सारे नए पोकेमोन्स लेकर अब यहाँ पर आ चुके हैं भाई। लिटरली हर एक एपिसोड में 4 नए नए पोकेमोन्स दिख रहे हैं भाई हमें। आ जाओ भाई, हल्का सा टेस्ट करते हैं इन सारे पोकेमोन्स को। चल भाई, याकुमो वर्सेस बूशी हो रहा है यहाँ पर। नॉट बैड यार, 50 लेवल का बूशी है, 5 लेवल उससे बड़ा है यार ये ब्रो। लिटरली भाई डॉच कर लिया इसने भाई याकुमो। चल 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 याकुमो, मार मेरे भाई मार, दिखा रहे इसको कितना पावर है तेरे अंदर ब्रो। लिटरली लावा भाई, मेरा याकुमो मर गया भाई। आजा डोजन, तू जा भाई डोजन। भाई ये क्या है, होमवर्ड प्रेयर? और ये कौन सी इसकी स्किल है यार? अबे ये क्या है ब्रो, लिटरली मैंने इसकी होमवर्ड प्रेयर यूज करी भाई। क्या हमें टेलीपोर्ट कर रहा है ब्रो? व्हाट ब्रो व्हाट, लिटरली ये हमें कहीं से भी टेलीपोर्ट कर सकता है यहाँ से वहां भाई, क्या सीन है। बट गाइस प्रॉब्लम ये है कि इसका बहुत ही ज्यादा हैवी लेवल का कूलडाउन है। बट मुझे देखना है ये नए पोकेमोन सारे करते क्या है यार। ये याकुमा मर गया भाई इतना जल्दी। ऑलराइट, ये याकुमा खाली खाली प्लांटिंग करता है, चिलेट हमारी फायर और प्लांटिंग करती है, हेल्स ऑफ फायर के पास 3 लेवल की इलेक्ट्रिक टाइप है, ट्राई स्पार्क और थंडर रेन। ट्राई स्पार्क और थंडर रेन ये कुछ नए अटैक्स दिख रहे हैं मुझे। डोजन क्या करता है भाई? ये क्या है भाई? भाई अनुबिस को टक्कर देने वाला पोकेमोन है क्या ये? अनुबिस के पास 4 लेवल का हैंडीवर्क स्पीड है, इसके पास 3 लेवल का हैंडीवर्क स्पीड है, प्लस ये प्लांटिंग भी करता है, वुड वगैरह भी काटता है, मेडिसिन भी बनाता है, और भाई ये गैदरिंग भी करता है यार। ब्रो भाई ये याकुमो भाई, ये नए पोकेमोन गजब है यार, गजब। तो मतलब बाई चांस अगर मैं कोई भी एकदम इंटेंस सिचुएशन में फंस चुका हूँ और मुझे वहां से निकलना है, तो हम लोग फटाक से ये डोजन की एबिलिटी यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए एबिलिटी गाइस एकदम ही ज्यादा आउट हो चुकी है भाई। इंस्टेंट अटैक भाई, लिटरली अटैक
ब्रो भाई मुझे इसका है ना ये होल हार्टेड स्टैंड वाला अटैक देखना है। हाँ ये वाला भाई ये देखो ब्रो लिटरली अटैक नहीं कर पा भाई यार। तो मैंने एक चीज तो नोटिस कर ली गाइस, ये जो डोजन का ये वाला अटैक है ना गाइस, ये एयर ब्लेड, जितना पोकेमोन इसके क्लोज रहेगा ना उतना ज्यादा अटैक करेगा क्योंकि ये एयर ब्लेड फैल जाती है। भाई ये क्या फ्यूचरिस्टिक अटैक है यार, व्हाट भाई कॉग्निटो ने इसको मार दिया एक ही बार में, इसका शील्ड तोड़ के बेहोश कर दिया था भाई। मार भाई भाई खत्म भाई, कॉग्निटो भी यहाँ पर खत्म होते हुए भाई। यार ये डोजन का भाई मैंने एक चीज नोटिस कर ली गाइस, हाँ तो मैं ये कह रहा था जो ये एयर ब्लेड करके जो अटैक है ना ये डोजन का, अपोनेंट जितना पास में रहता है ना उतना ज्यादा पावरफुल हिट करता है उसको, और जितना अपोनेंट दूर रहता है उतना कम डैमेज देता है। भाई आ जाओ भाई, ये पोकेमोन तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा। आ जाओ भाई जेट्रा ड्रैगन पे बैठते हैं और भी कोई पोकेमोन को ढूंढते हैं और उनसे फाइट करते हैं, दिखाते हैं उनको कि कौन है यहाँ का असली राजा। भाई मुझे लिटरली इसके इलेक्ट्रिक अटैक देखने भाई कैसे होते हैं। भाई ये डेसिमो है ना किसी भी समय मेरे ऊपर तुरंत आ सकते हैं भाई फास्ट तरीके से, बट भाई देखो इतने सारे हाई भाई साहब, इतने ज्यादा हवा में से इलेक्ट्रिक स्पार्क्स गिर रहे हैं ब्रो। भाई हेल्स ऑफ फायर के पास दो दो डेसिमो हैं जो अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर यार, बट ये ओ भाई पत्थर फेंक दिया यार, भाई लिटरली डेसिमो 1 HP हो चुका है अब। चल 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 हेल्स ऑफ फायर, अबे इसको संभाल यार, इसको संभाल हेल्स ऑफ फायर इधर, अरे नहीं यार हेल्स ऑफ फायर इसको मार भाई, इसको मार भाई इलेक्ट्रिक अटैक, एंड भाई इतने सारे इलेक्ट्रिक स्पार्क्स आ रहे हैं हवा में से, बट गाइस इतने सारे एक्यूरेट नहीं है बट भाई बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े स्पार्क आते हैं भाई। ट्राई लाइटनिंग वगैरह कितने नए नए टाइप के अटैक है यार, प्लीज मर मत जाना यार हेल्स ऑफ फायर। हालांकि इलेक्ट्रिक पोकेमोन ग्राउंड टाइप पोकेमोन के सामने वीक होते हैं, बट भाई हेल्स ऑफ फायर तू कर सकता है यार, अभी भी कर सकता है, चला जा इसको तो मैं संभाल लेता हूँ। अरे भाई मेरा हेल्स ऑफ फायर मर गया यार, चिलेट तू जा। अरे नहीं 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 भाई यार ये क्या दिक्कत आ रही है यार, चिलेट और चिलेट ने एक को तो मार दिया भाई आग अटैक करके, एंड ये वाला भी हम लोग ने भाई पकड़ लिया है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। भाई मैं बता रहा हूँ ना ये पालवल वालों ने जो अपडेट दिया है ना यार, लव यू यार पालवल वालों, सभी को बहुत सारा प्यार, इतनी मेहनत लगती है यार आई नो ये, बट यार लव यू गाइस, थैंक यू सो मच इतना जबरदस्त अपडेट प्रोवाइड करने के लिए हम सभी लोगों को। ऑलराइट ये कौन सा, अभी ये कौन सा पोकेमोन है, अच्छा ये लूलू है भाई, मुझे लगा कोई और ही टाइप का पोकेमोन आ गया है भाई। भाई ऑलरेडी भाई मेरे हिसाब से भाई अब ये टावर बॉस को हम देख कर आते हैं एक बार, यहाँ पर ये एरिया के अंदर और कौन से नए पोकेमोन्स हैं यहाँ पर। भाई वो पूंछ पे बैठने वाला पोकेमोन रहेगा ही रहेगा, ये रहा डोजन भाई, ये तो रहेगा ही, बट अभी मुझे है ना गाइस ये कैसे टाइप के प्लांट्स आ गए गाइस यहाँ पर देखो यार ये भाई, ओ नाइस यहाँ पर एक फास्ट ट्रैवल है बहुत बढ़िया, एंड ऊपर से यहाँ पर एक नया जिम टावर भी है भाई। मैं चाहता हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डंजन एक्सप्लोर करने वाले हैं, इस जिम वाले बॉस को हम लोग मारने वाले हैं। इस एपिसोड के लिए हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे पोकेमोन्स को मार दिया है भाई, बट यहाँ पर ये क्या है यार, ये क्या है, ओ ये सारे निंजा से यहाँ के, भागो भागो यहाँ से भागो भाई, ये एरिया भाई जितना अंदर से अच्छे से ढूंढो ना भाई उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है ये एरिया भाई। पानी के बीच में यहाँ पर दो दो मिडल ऑफ नोवेयर में यहाँ पर तीन तीन वाटरफॉल्स हैं, और ये याकूमो मेरे पे गुस्सा हो चुका है भाई, याकूमो गुस्सा मत हो भाई मेरे पे, तू ओ चिलेट मिल गई हमें, चिलेट हम लोग की मर गई थी ना हमसे गाइस, अच्छा भाई चिलेट पकड़ते हैं अभी, बट प्लीज मार मत देना इसको यार, मारना मत मारना मत, अबे भाई ये मार देगा इसको भाई, आजा चिलेट प्लीज आजा एक ही बार में आजा प्लीज प्लीज प्लीज, नाइस लेट्स गो भाई। ये युकुमो को भी दिखा, इसकी तो दिखाने दो भाई मुझे, एक काम करते हैं युकुमो को भाई विक्सन से फाइट करवाते हैं और इसकी बैंड बजाते हैं भाई, गुस्सा आ गया मुझे, याकुमो किधर किससे फाइट कर रहे थे को मालूम है ब्रो, भाई ये क्या अटैक है यार, मेरे सारे पोकेमोन लिटरली 1 HP हो जाते हैं यार, मर गया क्या, ओ नहीं मरा है, नाइस भाई हमारे पास एक और फीमेल याकुमो आ चुकी है भाई, आएगी कि नहीं आएगी, आ गई लेट्स गो भाई। और भी यहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन्स हैं भाई जिसको हमें कैप्चर करना है, बट गाइस आज के इस एपिसोड के लिए हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली है भाई। हेल्स ऑफ फायर देखो भाई क्या है भाई, क्या है ये अपडेट, लिटरली इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोकेमोन्स, नए नए ब्रीड्स, और मानना पड़ेगा भाई ये हेल्स ऑफ फायर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है,
भाई इन सारे नए नए पोकेमॉन्स के सैडल मुझे कब बनाने मिलेंगे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में गाइस हम लोग ने ये फास्ट ट्रैवल से लेकर ये फास्ट ट्रैवल के बीच में सारी चीजें एक्सप्लोर करी, और ये भी एरिया हम लोग ने पूरा एक्सप्लोर करा। और ये क्या आ रहा है भाई यहाँ पर, ये क्या है ब्रो? अभी तो ये एरिया बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर गाइस बहुत घना फॉग है, इतना तो हम लोग अभी देखकर ही बता सकते हैं। एंड यहाँ पर और भी बहुत ही बड़ा, आपको पता है गाइस यहाँ वाले डेजर्ट एरिया में इतना सारे नए नए पोकेमॉन्स मिले थे, तो इस वाले एरिया में भाई कितने पोकेमॉन्स मिलने वाले हैं। प्लस यहाँ पर गाइस मीना स्टिंग टेरा भी है, जो कि एक इलेक्ट्रिक और एक रॉक टाइप पोकेमॉन होने वाला है, जो कि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि एक इलेक्ट्रिक और एक रॉक टाइप पोकेमॉन होने वाला है। भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये नया अपडेट एक्सप्लोर करने के लिए। भाई आज के इस एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग ने बहुत सारे नए नए पोकेमॉन्स पकड़े, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, काफी इंटेंस रहा। बट कल के एपिसोड में गाइस हम लोग इस टावर बॉस को मारने वाले हैं, एंड यहाँ पर हमें जो एक डंजन दिखा है उसको भी हम लोग पकड़ने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एपिसोड होने वाला है, वो जरूर भूलना मत, देखना। मिस कैसे नहीं करोगे आप लोग को जब नोटिफिकेशन आएंगे, और नोटिफिकेशन कैसे आएंगे जब आप लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में कल सुबह को 8:30 बजे। वेलकम टू पाल वर्ल्ड, न्यू अपडेट, लेट्स गो, बाय।